हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यह सेट डी का अभ्यास 4 है। इसी तरह के सेट 16 से 17 है। सभी सेट में 10 से 12 अभ्यास में 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन हैं। डेली बेसिस में इसका आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। आपने जो भी नोट्स और थ्योरी सेशन पढ़ा है उसका स्कोर चेक कीजिए मेरे वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस करके। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपीएलटी ग्रेड हो, एमपी टेट हो, अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी हो, सभी से रिलेटेड थ्योरी सेशन टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, वन लाइनर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन एंड डेली बेसिस प्रैक्टिस, सभी चीजें आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आप अपना स्कोर चेक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों, एशिया की धरती पर पहले ओलंपिक का आयोजन कब हुआ? तो दोस्तों, एशिया की धरती पर सबसे पहली बार ओलंपिक का आयोजन हुआ 1964 में। कहां पे? टोक्यो जापान में। 1964 में टोक्यो जापान में। उसके बाद दोबारा आपका 2020 कोरोना के कारण 2022 में हुआ, 21 में हुआ था, टोक्यो जापान में हुआ। एंड 2024 का पेरिस फ्रांस में होगा। 2028 का लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। 2032 का ब्रुसेल्स ब्रिस्बन ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों में फाउल को क्या संज्ञा दी जाती थी? तो दोस्तों, जो फाउल होता था उसको हंटरों से पीटा जाता था। क्या किया जाता था? हंटरों से पीटा जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में किस रोमन राजा ने अधिकारियों को रिश्वत देकर पारितोषिक यानी रिवार्ड यानी पुरस्कार जीता था? तो वह है किंग नीरो ने। किसने? किंग नीरो ने। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक प्रतियोगिता में विजेताओं को सर्वप्रथम स्वर्ण पदक दिए गए? तो वह है 1904 सेंट लुइस ओलंपिक। 1904 सेंट लुइस ओलंपिक। एंड दोस्तों, एक क्वेश्चन और आता है कि ओलंपिक में ठोस स्वर्ण पदक आखिरी बार कब दिए गए? तो 1912 में। सबसे पहले विजेताओं को स्वर्ण पदक कब दिया गया? तो 1904 सेंट लुइस में। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक पियरे डी कुबर्टिन की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 1937 में हुआ। ये आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक हैं। इन्होंने ही 1894 में पेरिस फ्रांस में आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का स्थापना किया। इन्होंने ही ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह जो ध्वज है उसको 1913 में बनाया और सबसे पहले फहराया गया 1920 एंटवर्प ओलंपिक बेल्जियम में। नेक्स्ट है, 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों में कितने देशों ने भाग लिया? तो दोस्तों, 14 देशों ने भाग लिया है अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे 13 ही ऑप्शन दिया है तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस ओलंपिक प्रतियोगिता में पहली बार शपथ दिलाई गई? तो दोस्तों, 1920 एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार झंडा भी फहराया गया। 1920 एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार शपथ भी लिया गया। 1920 एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार कबूतरों को छोड़ा गया 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ओलंपिक आयोजन का स्थल सर्वोच्च ऊंचाई पर रहा है? तो दोस्तों, वो था आपका 1968 का मैक्सिको सिटी ओलंपिक। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या सही है? ये सभी ऑप्शन आपका बाधा दौड़ से रिलेटेड है। यहाँ पे बाधा दौड़ की सभी के हॉर्डल की ऊंचाई के बारे में दिया हुआ है, तो कौन सा आपका सही है? तो यहाँ पे 100 मीटर बाधा दौड़ की जो ऊंचाई होती है वो 0.84 मीटर होती है, ये गलत हो गया। 110 मीटर बाधा दौड़ की ऊंचाई होती है 1.672 मीटर होता है। एंड 400 मीटर पुरुष की, 400 मीटर जो महिला की जो
बाधा की ऊंचाई होती है 0.762 मीटर होती है, तो यहाँ पे यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एंड यहाँ पे 400 मीटर ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और 400 मीटर पुरुष के लिए आपका होता है ऊंचाई 0.914 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त डीऑक्सीकृत हो जाता है कहां पे दोस्तों? जब हम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर के फेफड़ों से शुद्ध होकर के जाता है एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी से होता हुआ समस्त शरीर की कोशिकाओं तक, पेशियों तक, तो वहां पे जब हम कार्य करते हैं, वहां पे जब जाता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है कोशिकाओं में, माइटोकांड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, तो वो ऊर्जा जाता है हमारे समस्त शरीर में जहां जहां आवश्यकता होती है, और वहां से रक्त के माध्यम से ही जाता है। किसके माध्यम से जाता है? रक्त के माध्यम से। और वहां से ऑक्सीजन को तो दे देता है, वहां पे जो भी खराब पदार्थ होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को वो ले लेता है, तो पुनः वो डीऑक्सीकृत हो जाता है, फिर आकर के फेफड़ों में पुनः वो ऑक्सीकृत होता है। तो पेशियों में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पेशियों में। नेक्स्ट, जांघ के सामने की पेशियों को क्या कहते हैं? दोस्तों जो हमारे सामने की घुटने के ऊपर की सामने की पेशी होती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिसेप्स मसल्स। यह क्या करती है? क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो होता है वह घुटनों को प्रसार करने में और हिप को कुल्हे को मोड़ने में काम आती है, और यह चार पेशियों से मिलकर बना होता है, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस, चार पेशियों से मिलकर बना होता है आपका क्वाड्रिसेप्स मसल्स। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी है, तो दोस्तों सबसे बड़ी पेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस, यह हमारे हिप की पेशी है, और सबसे लंबी पेशी है सार्टोरियस, सबसे छोटी पेशी है कान के अंदर स्टेपेरियस, सबसे मजबूत पेशी है मैंडिबल निचले जबड़े की। नेक्स्ट दोस्तों, पेशियां बदल देती हैं, तो दोस्तों जो पेशियां होती हैं वो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती हैं। नेक्स्ट है, मानव अस्थि बोन के मुख्य तत्व हैं, तो मानव अस्थि जो होता है उसके मुख्य तत्व कैल्शियम एंड फास्फोरस हैं। नेक्स्ट, शिशु का अस्थि कंकाल प्रायः पूरी तरह बना होता है दोस्तों, कार्टिलेज यानी उपास्थियों का बना होता है, जो मुलायम होता है, मुड़ जाने वाली होती है, बाद में परिपक्व होकर अस्थि का रूप धारण करती है। नेक्स्ट, तंतु यानी फाइबर में ऑक्सीजन के भंडार का काम करने वाली संरचना कौन होती है? तो जो हमारे मांसपेशी तंतु फाइबर होती हैं वो उसमें कौन ऑक्सीजन का भंडार करती हैं? मायोग्लोबिन। कौन करता है? मायोग्लोबिन। और रक्त में कौन ऑक्सीजन को ग्रहण करके चारों तरफ पहुंचाता है शरीर के एक एक कोशिका में? हीमोग्लोबिन। और कहां पे ग्रहण होता है, संचरण होता है उसका? तो मायोग्लोबिन, पेशियों के मायोग्लोबिन पाया जाता है, उसमें ऑक्सीजन का भंडार होता है। नेक्स्ट, किसी प्रकार की अस्थियां ताकत प्रदान करने का कार्य करती हैं? तो दोस्तों यहां पे आपका ऑप्शन दिया है लंबी अस्थियां, बट ताकत प्रदान करने का कार्य तो शॉर्ट बोन करती हैं, लेकिन जो लॉन्ग बोन होती है वो लीवर का काम करती है, जैसे कि हमारे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला, इसमें आपका खोखला भाग होता है, इसमें अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो होता है जिसमें से आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, और खोखली अस्थियां अधिक बोझ उठाने में एवं हल्की होती हैं, इसलिए यहां पे ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, लंबी अस्थियां ताकत प्रदान करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अस्थियों का घनत्व तो ज्यादा होता है, तो दोस्तों पुरुषों में अस्थियों का घनत्व तो जो है वो ज्यादा होता है महिलाओं की तुलना में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संधियों यानी ज्वाइंट्स के संचालन को सीमित करने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन है दोस्तों ज्वाइंट्स के संचालन को सीमित करने के लिए उत्तरदायी कौन है? किसके माध्यम से दो हड्डी ज्वाइंट से जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं? तो अस्थि बंध यानी लिगामेंट्स के द्वारा।
और रेखित मांसपेशियां जो है कंकाल मांसपेशियां किसके द्वारा हड्डियों से जुड़ी रहती हैं, तो टेंडन के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, जाइगोमेटिक बोन गंडास्थि कहां होती है, तो यह खोपड़ी में होती है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कोहनी के आकुंचन यानी फ्लेक्शन किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों यह होता है आपका बाइसेप्स मसल के द्वारा, और फ्लेक्शन एक्सटेंशन किसके द्वारा होता है, ट्राइसेप्स मसल के द्वारा। बाइसेप्स हमारे बांह के ह्यूमरस हड्डी के ऊपर होता है, ट्राइसेप्स आपके ह्यूमरस हड्डी के पीछे होता है। नेक्स्ट है नितंब संधि हिप ज्वाइंट का सबसे मजबूत संधि बंध लिगामेंट्स है, कौन है दोस्तों, जो हमारे हिप का ज्वाइंट है उसमें सबसे मजबूत अस्थि बंध यानी लिगामेंट्स कौन सा है, तो वो है आपका इलियोफोरमोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का उत्तोलक बाहु लीवर आर्म के उत्थान लिफ्ट में सर्वाधिक प्रभावकारी होता है, तो दोस्तों आर्म फ्लेक्शन हमारे बांह को फ्लेक्शन करने में तृतीय श्रेणी का उत्तोलक सर्वाधिक प्रभावकारी है। फ्लेक्शन यानी मोड़ने में, बांह को मोड़ने में तृतीय श्रेणी का उत्तोलक काम करता है, और उसको फैलाने में, बांह को फैलाने में प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कार्य करता है, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, फोर्स जो है, बल जो है, वो बीच में होता है, तो जैसे हमारे जब हम फ्लेक्शन करते हैं बांह को, तो हमारा जो नी ज्वाइंट एल्बो ज्वाइंट होता है वह एक्सिस का काम करता है, और रेडियस मसल्स जो होता है वह फोर्स लगाने का काम करता है, और अग्रबाहु जो है वह भार का काम, रेसिस्टेंस का कार्य करता है। इस प्रकार बीच में क्या हुआ, फोर्स हुआ। इस प्रकार एल्बो हाथ को फ्लेक्शन यानी मोड़ने में तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कार्य कर रहा है, और हाथ को फैलाने में प्रथम श्रेणी का, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आपका सीटअप आता है, हेमिस्टिंग कर्ल आता है, घुटने का मोड़ना आता है। नेक्स्ट है बांह का ऊपर उठाने में और नीचे करने में कौन सी मुख्य मांसपेशी सम्मिलित है, तो दोस्तों यह बांह को ऊपर उठाने में, यह हमारी जो कंधे की बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, रोटेटरी जो कफ मसल्स, रोटेटरी कफ मसल्स होती है वो काम करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये केवीएस में पूछा गया था इस बार। नेक्स्ट है चेतना यानी कॉन्शियसनेस के किस स्तर को आसानी से बोधगम्य बनाया जा सकता है, अंडरस्टूड बनाया जा सकता है, तो वो आपका है अवचेतन मन को यानी सबकॉन्सियस मन को। नेक्स्ट, वह संघर्ष जिसमें बालक माता के स्नेह प्यार के लिए अपने पिता से प्रतिद्वंदिता महसूस करता है क्या कहलाता है, तो वह संघर्ष जिसमें बालक माता के स्नेह प्यार पाने के लिए अपने पिता से प्रतिद्वंदिता महसूस करता है यह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है ईडिपस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, नेतृत्व की कौन सी शैली टीम की पूरी जवाबदेही लेती है, तो वह शैली होता है आपका निर्देशात्मक, जो टीम की पूरी जवाबदेही लेती है। नेक्स्ट है दर्शकों का प्रोत्साहन है, जो दर्शन ऑडियंस होते हैं या ताली बजाकर या उत्साह करते हैं किसी भी माध्यम से, वो कौन सा प्रोत्साहन होता है, वो होता है सामाजिक प्रोत्साहन, सामाजिक प्रेरक होता है, सोशल मोटिवेशन। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा का संज्ञानात्मक मूल्यांकन कॉग्निटिव इवोल्यूशन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो यहां पे संज्ञानात्मक शब्द आते ही जिम पियाजे का नाम आता है, बट यहां वो नहीं है, यहां पे डेसी हो जाएगा। अभिप्रेरणा का संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत दिया है डेसी ने। नेक्स्ट, दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने के नियत से किए गए व्यवहार को क्या कहते हैं,
तो उसको हम कहते हैं आक्रमण, आक्रामक व्यवहार। नेक्स्ट है फ्रायर के अनुसार व्यक्तित्व का विशिष्ट नैतिक भुजा यानी स्पेसिफिक मोरल आर्म ऑफ पर्सनालिटी क्या है, तो जहां पे मोरल और नैतिक मन की बात आए वो होता है आपका सुपर ईगो एंड पराअहम। नेक्स्ट, जो नेता निश्चयीकरण में पूरी छूट देता है और समूह के क्रियाकलाप में भागीदारी नहीं बनता है वह क्या कहलाता है, तो वह होता है अहस्तक्षेपी, अहस्तक्षेपी। नेक्स्ट, अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह कैसी है, तो दोस्तों आपने अभी तक जो शिक्षा प्राप्त की है कोई भी तो उपयोगी और मूल्यवान ही तो होना चाहिए, तो उपयोगी और मूल्यवान आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बड़ा भाई छोटे के लिए अथवा सीनियर विद्यार्थी जूनियर के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से क्या होता है, तो दोस्तों एक वह इसका एक आदर्श होता है, आइडियल होता है। किसी को हम देख करके यदि कुछ सीख रहे हैं तो वही हमारा आइडियल है, हमारा आदर्श है। नेक्स्ट, समाजीकरण द्वारा व्यक्ति वास्तव में किसे प्रत्यक्षित करना सीखता है, तो वह समाजीकरण द्वारा वह स्वयं को प्रत्यक्षित करना सीखता है। किसको? स्वयं को। नेक्स्ट, पियाजे समर्थकों ने समाजीकरण प्रक्रिया का निर्णायक कारक किसे माना है, तो पियाजे के समर्थक, जब पियाजे स्वयं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को मानते थे तो उनके समर्थक भी उसी को मानेंगे। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संज्ञानात्मक संरचना यानी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को मानते थे। नेक्स्ट, बच्चों के लालन पालन पर अधिकांश अध्ययन किनके द्वारा किए गए हैं, तो अधिकांश अध्ययन बच्चों के लालन पालन पर किया गया है अधिगम सिद्धांत वादियों के द्वारा, लर्निंग प्रिंसिपल्स बाय लिट्रेगेंट्स, यानी जिन्होंने सीखने के सिद्धांत दिए हैं व्यवहारवादी और गेस्टाल्ट वादियों ने। नेक्स्ट है समाजीकरण के बारे में व्यवहारवादियों यानी बिहेवियरिस्ट की दृष्टिकोण से कैसा है, समाजीकरण के बारे में व्यवहारवादियों का दृष्टिकोण कैसा है, तो दोस्तों समाजीकरण के बारे में जो व्यवहारवादी है उनका दृष्टिकोण है, व्यवहारवादी कहते हैं, वाटसन ने तो ये भी कहा है कि तुम मुझे कोई भी बच्चा दे दो मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर, डकैत कुछ भी बना के दिखा दूंगा, किसके बल पर? एनवायरमेंट के बल पर, जिसको जैसा एनवायरमेंट दिया जाता है वो वैसा बन जाता है। तो यहाँ पे एनवायरमेंट को प्रभावी माना गया है समाजीकरण में व्यवहारवादियों ने, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पर्यावरणवादी, एनवायरमेंटलिस्टिस। नेक्स्ट है हमारे देश में समाजीकरण प्रतिरूप में तेजी से परिवर्तन मुख्यतः किस कारण हो रही है, तो यहां पे हो जाएगा जन माध्यम के विस्तार के कारण, समाजीकरण प्रतिरूप में तेजी से परिवर्तन किस कारण हो रही है, जन माध्यम के विस्तार के कारण, यानी जो भी संचार प्रणाली इसमें मीडिया वगैरह सब फैल रही है उसके कारण। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से समाजीकरण कहाँ होता है, तो परिवार में भी होता है, समाजीकरण की परिवार जो है प्राथमिक इकाई होता है और विद्यालय मित्र समूह या द्वितीयक इकाई होती हैं, तो विद्यालय में मित्र समूह में ये सभी आपके समाजीकरण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है डंबल शब्द का क्या अर्थ है, तो डंबल शब्द का अर्थ है दो सिरा भार, क्या होता है दो सिरा भार। नेक्स्ट है डंबल का प्रयोग मुख्य रूप से आरंभ हुआ था, तो डंबल का प्रयोग मुख्य रूप से आरंभ पश्चिमी देशों में हुआ था। नेक्स्ट है टिपरी का प्रयोग मुख्यतः कहां किया जाता है, तो यह मथुरा और ब्रज में किया जाता है टिपरी का प्रयोग। नेक्स्ट है टिपरी किससे बननी होती है, तो जो टिपरी है वह बांस की बनी होती है।
है भारत की एकमात्र महिला जिम्नास्ट जिसने राष्ट्रमंडल खेल में पदक जीता, वो भी कांस्य पदक। वो है दोस्तों दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर 2016 रियो ओलंपिक में जिम्नास्टिक वर्ल्ड स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला है, ओलंपिक में जिम्नास्ट में क्वालिफाई करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षण की विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी पर वैधता वैलिडिटी किस परिस्थिति में सीधे निर्भर करती है। तो दोस्तों यह सजातीय परीक्षण में, सजातीय परीक्षण में रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि किसी समूह पर जिस परीक्षण को बनाया गया है उसका बार बार परीक्षण किया जाए और बार बार उसका परिणाम एक जैसा हो तो मानेंगे कि वो रिलायबल है, विश्वसनीय है। और वैलिडिटी का मतलब होता है कि जिसके लिए वो बनाया गया है वही मापे, दूसरा कुछ ना मापे। तो यह देखा जाता है जिसके लिए वो बनाया गया है क्या वही चीज माप रहा है, वो वैलिडिटी होता है। तो सजातीय परीक्षण यहां पे राइट होगा। नेक्स्ट है उच्च विश्वसनीयता के लिए निम्न से क्या आवश्यक नहीं है, यानी उच्च रिलायबिलिटी विश्वसनीयता के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है। तो समान कठिनाई स्तर के एकांश ये आवश्यक है। एकांशों के बीच अंतर संबंध, जब हम कोई परीक्षा बनाते हैं तो विभिन्न समूहों पर परीक्षा करके सह संबंध निकालते हैं कि क्या सभी का परिणाम सेम है कि नहीं। समूहों में विभिन्नता होता है दोस्तों, एक ही समूह पर नहीं, कई समूह पर, वहां उसी परीक्षा का कई समूहों पर परीक्षा करें तब परीक्षा करते हैं और सभी परीक्षा सभी समूहों के परीक्षा एक समान आएंगे तभी उसको हम मानेंगे कि रिलायबल है। तो यहाँ पे आपका ये तीनों ऑप्शन जो है एक विश्वसनीयता उच्च रिलायबिलिटी के लिए आवश्यक हैं, जबकि यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है लघु परीक्षण मिरर टेस्ट आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट, प्रतियोगिता की किस पद्धति में एक बार पराजित होने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। तो दोस्तों वह होता है आपका नॉकआउट टूर्नामेंट में। नॉकआउट टूर्नामेंट में एक बार जो टीम पराजित हो जाती है वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। इस प्रकार खेल का निर्णय बहुत जल्दी हो जाता है, समय धन की बचत होती है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण के आयतन को अधिक तेजी से एवं अधिकतम बढ़ाया जाता है यह कौन सी अवस्था होती है। तो दोस्तों यह अवस्था होती है तैयारी काल की, जैसे कि अब प्रियोरिटाइजेशन अवधिकालीनता में आपने देखा होगा उसके तीन फेज होते हैं, एक प्रिपेटिव पीरियड, एक कंपटीशन पीरियड, एक रिकवरी पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड होता है। तो जिसमें जब तैयारी का काल होता है, प्रिपरेशन पीरियड होता है, उसमें प्रशिक्षण के आयतन को अधिक तेजी से एवं अधिकतम बढ़ाया जाता है। किस काल में? प्रिपेरी काल में, प्रिपेटरी काल में, यानी कि तैयारी के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे जैसे तैयारी काल समाप्त होता है वैसे वैसे परीक्षण में तीव्रता को तेजी से बढ़ाते हैं, यह अवधिकालीनता की कौन सी अवस्था होती है। दोस्तों यह होती है तैयारी काल, प्रिपेटरी पीरियड। दोस्तों देखिएगा इसी जितना भी मैंने प्रैक्टिस कराया है इसी के अंदर सारे क्वेश्चंस होंगे, इससे बाहर नहीं होंगे। दो चार क्वेश्चन जो आपके लिए वो हमेशा दूसरा पूछा जाता है, किसी को नहीं आता है, लेकिन सभी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तैयारी काल में हम क्या करते हैं, तीव्रता को बढ़ाते हैं और तेजी से परीक्षा देते हैं। शुरुआत में धीरे धीरे सब कुछ बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि तैयारी करना स्टार्ट किया तुरंत ही बढ़ा दिया। जैसे जैसे काल समाप्त होता है तैयारी का वैसे वैसे हम परीक्षा में तीव्रता को तेजी से बढ़ाते जाते हैं, किसमें? तैयारी काल में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।